मजमा किस चीज का लगा हुआ है? मजमा तो तेल बनाते हैं, यहाँ पे सांप होते हैं, ये सांडा होते हैं, इसको काट देते हैं, इसकी चर्बी निकाल देते हैं, 14 जड़ी बूटी होते हैं वो डाले होते हैं, दर्दों के लिए होते हैं, जोड़ों पटों में दर्द होते हैं, फालज होते हैं या जिस्मानी कमजोरी होते हैं उनके लिए लगा हुआ। अच्छा, तो ये मजमा जो लगा हुआ है तो अभी क्या उसको सांप को काटते हैं, काटेंगे इनके सांप होते हैं सांप सबके सामने। अच्छा, ये अभी से नहीं, 28 साल हो गए। और इससे जो है वो ये इफाका किस किस चीज़ का आपने अभी बताया कि फालिज वगैरह और फालिज तक काम करते हैं जो बिल्कुल रगों को फोल्ड होते हैं या जिस्मानी कमजोरियाँ जितने दर्द होते हैं, हड्डी में दर्द होते हैं, कमर में दर्द होते हैं, जोड़ में दर्द होता है, ये उनके लिए अल्लाह के हुक्म से ऐसे चीज़ होते हैं कि दुनिया से लोग आके ले जाते हैं, अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है। मतलब इसमें कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं? नहीं, सामने बनते हैं। अच्छा, सामने आपके सामने काटते हैं। सामने क्या प्राइस वगैरह क्या होती है? 50 रुपए का था, अभी जो मुकम्मल कोर्स होते हैं 100 रुपए का। क्या कितना? 100 रुपए एक बॉटल होते हैं, एक बॉटल 100, हाँ एक बॉटल 100, छोटा बॉटल 50 का थे, बड़ा मुकम्मल होते हैं 100 रुपए का। अच्छा, चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप यहाँ पे कब से हैं? जब से रेनबो सेंटर बना। अच्छा, 30 साल हो गए। 30 साल आपके पास नॉर्मली किस किस्म के लोग आते हैं, किस चीज़ के लिए आते हैं? देखिए, कोई आता है कि बच्चे का नाम रखना है या शादी फलां फलां की है, वो हम देख के जायजा बना के बता देते हैं बस। तो ये जो आजकल इतने सारे आमिल जो जगह जगह बैठे हुए हैं, क्या महबूब आपके कदमों पे और हम आपकी शादी और ये सब करता, ये वो होता क्या है? तो ये पता नहीं बेटा मुझे उसका, वो लोग कहाँ मिलेंगे हमें? ये बेटे पूरी कराची में पड़े हैं। अच्छा, नहीं मुझे किसी ने कहा था सदर में तो पूरा उनका घर है, इसलिए मैं। नहीं बेटा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अच्छा, ये आप पूरी मार्केट से पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई आमिल नहीं करता बेटा। नहीं नहीं, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास तो मैं बैठा इसलिए था कि आपसे। मैं तबेदार हूँ बेटा, आपने जिस तरह इज्जत से बैठाया। नहीं ऐसी बात नहीं बेटा। तो ये आप बता रहे हो कि सिर्फ बच्चों के जायचे के लिए या शादी के जायचे के लिए लोग आते हैं? यहाँ कोई यानी गर्दिश है, क्या चक्कर है बता देते हम। अच्छा, ये तस्बीह कर लो या रहीम या करीम या हयो या कयूम, ऐसे बस और कोई मसला नहीं है। अच्छा, जायचा बना लेते हैं हम, 200-150 कोई 100 दे जाता है, यही मसला है बस। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। सड़क के सच के साथ मैं इस वक्त सदर में आया हुआ हूँ और कोशिश मैंने बहुत की कि आमिलों से मुलाकात हो, लेकिन आमिल हजरात जो हैं या तो भाग चुके हैं काफ़ी, और जो बैठे हैं वो भाग करने के लिए तैयार नहीं। सड़क के सच में बेसिकली जो शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ ऐसे सच्चाइयाँ आपको बताई जाएँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या बुराई है और उनके लिए हम आवाम क्या करते हैं। एक रेनबो सेंटर में ये लाल शाह साहब बैठे थे कोई, और मुझे कहते हैं कि जी हम तो बस बच्चों की पैदाइश के बाद नाम बताते हैं या फिर हम जो शादी के लिए आते हैं तो उनका जायचा बना देते हैं, 100-150 रुपया लेते हैं। लेकिन अभी मैंने जब मार्केट में दूसरे लोगों से पता किया तो उनका कहना है कि कम से कम भी 500 से 1000 वो चार्ज करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे उल्टे हाथ पे देखें तो एक नीलाम घर है, उस नीलाम घर की स्टोरी है कि कुछ लोग इनके अपने ही खड़े होंगे और उसके बाद आप जब जाओगे और आपने अगर गलती से बोली लगा दी तो उसके बाद जो उनके अपने लोग हैं वो जानबूझ के आपसे ज़्यादा बोली लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनके घेरे में आओ, और उसके बाद वो चीज़ जो होगी अगर 1000 की है तो वो आपको 10,000 तक की पड़ जाएगी। उसके अलावा अगर आप जगह जगह देखें तो आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे सदर में, मर्दाना ताकत। तो जनाब, मर्दाना ताकत ऐसे ख़त्म हो भी गई अगर आपके अपने करतूतों की वजह से, तो डॉक्टर्स हैं उसमें, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, उनके पास आप जाएं और वो आपको बहुत अच्छा इलाज बता सकते हैं। लेकिन इन लोगों के सामने अपनी ये जो आप सच्चाई जब बताते हैं तो इनको मौका मिलता है आपको बेवकूफ़ बनाने का, और कम से कम भी इनकी जो फीसिस होती हैं वो 500 से 1000, और ये आपको मुसलसल 6 महीने तक जो है वो आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं कि जी अब इतना इफाका तो अब उतना इफाका। तो इन बेवकूफ़ लोगों की बातों में, खैर बेवकूफ़ लोग तो हम हुए, ये तो बड़े अकलमंद और बड़े चलाक लोग हैं, इनकी चलाकियों में आने से बेहतर है। और मैं तो अरबाब इख्तियार से भी ये बात करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो सारा लूट मार का जो बाजार लगा हुआ है और ये सरपरस्ती में लगा हुआ है,
इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता और क्या इनको वाकई भत्ता मिलता है हर जगह का? और अगर भत्ता मिलता है और इतने मजलूम, इतने मासूम लोग अगर बेवकूफ़ बनते हैं तो उनका गुनाह भी आपको मिलता है। अब एक और जब हम जा रहे थे तो एक सांप का तेल, जब हम उसकी वीडियो बनाने लगे तो उसने हमें रोका कि क्यों वीडियो बना रहे हो। हमने उनसे कहा कि अगर आप ये सही काम कर रहे हो तो फिर क्या कबाहत है वीडियो बनाने में? और उसने कहा कि जी आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, हाँ ये जब रश ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप वीडियो बनाइएगा। तो जब रश जब ख़त्म होने लगा और फिर मैंने कहा कि अब मैं पूछूँ तो उसने फिर भी बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरों से जाके जब दुकानदारों से पूछा कि ये कहानी क्या है तो उन्होंने बताया कि इनके अपने लोग इस एम्प्रेस मार्केट के आसपास घूम रहे होते हैं जो आपको कहते हैं कि जी आपकी आंखों से लग रहा है कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है या आपका पेट बहुत निकला हुआ है तो उसका इलाज है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका हम आपको इलाज बता सकते हैं। फिर मैंने किया ये कि कैमरा रखा और मैं खुद जानबूझ के उस तरफ गया तो लकीली मुझे एक रिक्शे वाले साहब मिले और उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे फील हो रहा है कि आपका पेट कुछ निकला हुआ है। मैंने कहा जी फील क्या हो रहा है, सच में निकला हुआ है, क्या इलाज? वो साहब मुझे लेके गए एक पंसारी की दुकान पे, वहाँ से उन्होंने मुझे एक 100 रुपये का सफ़ूफ दिला दिया, मैंने वो ले लिया। उस सफ़ूफ़ के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोई अक्सीर खमीर करके कोई दवाई, उन्होंने मुझे नाम लिया और एक सफ़ूफ़ का नाम लिया कि इसकी कुछ खुराकें आप मिक्स कर लें। मैंने कहा जी करवा दें। उनके साथ फिर मैं दूसरे पंसारी की दुकान पे गया, उस पंसारी ने छोटी छोटी कोई 12 खुराकें बना के मुझे 2 कार्ड्स पे और उस सफ़ूफ़ में मिला के मुझे दे दिया। मैंने कहा जी कितने पैसे हुए? ये लें जी एक लाल बादशाह साहब, और ये इत्तेफाक से उन्हीं गए जिन्होंने मुझे अभी कहा था कि साइचा बनाता हूँ और बच्चों के सिर्फ नाम बताता हूँ। और इनके आप पढ़ेंगे इन्होंने क्या किया, मियाँ बीवी का झगड़ा, अभी तो आप कह रहे थे शादी करवाता हूँ तो अभी तो आप झगड़ों के उस पर भी आ गए हो, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में रुकावट, तावीज़ात का असर, हर मसले का हल कलाम इलाही से फ़ौरन करवाएं, जनाब मज़े चले जाएँ इमाम साहब के पास, नमाजें पढ़ें और अल्लाह को याद करें, अल्लाह ताला इनके पास जाने से आपको वैसे ही बचत हो जाएगी आपकी। बहरहाल तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने फिर सफ़ूफ़ में उसको मिलाया और मुझे, मैंने कहा कितने पैसे हुए, तो उसने जब बिल बनाना शुरू किया है तो 2980 रुपये का उसने मुझे बिल दे दिया। मैंने कहा जी ये किस चीज़ का बिल है? कहते हैं जी ये जो सारी खुराकें हैं, एक खुराक 90 रुपये की है और जो दूसरा सफ़ूफ़ था उसकी खुराक 160 रुपये की है। मैंने कहा माजरा सर ये तो मैं नहीं दे सकता। तो वो साहब अपनी दुकान से बाहर आए, उन्होंने कहा कि पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, तो मिक्स कर दिए हैं मैंने सारा। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर अपने दोबारा कैमरामैन को बुलाया, मैंने कहा जी ये पैसे मैं इनको दे रहा हूँ, ज़रा कैमरे से मूवी तो बनाना शुरू करें। जैसे ही कैमरा ऑन वो वहाँ से गायब। तो दोस्तों अभी एक और भी है बड़े अकीम साहब, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, कोशिश करते हैं आए उनसे मिल के आते हैं। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं जी। मैं रिसेप्शन पे बैठता हूँ। रिसेप्शन पे बैठ जी। बड़े हकीम साहब जो है सिर्फ मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं या बाकी भी इलाज करते हैं? मर्दाना कमजोरी का, बाकी इलाज नहीं करते जी, बाकी भी करते हैं। अच्छा हाँ। तो ये मार्केटिंग का तरीका है, ये मर्दाना कमजोरी इसके लिए लोग ज्यादा आ जाते हैं?